हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एड्रिनर्जिक ड्रग्स के बारे में और हमने डिवाइड किया था एड्रिनर्जिक ड्रग्स को तीन टाइप्स में। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने तीन टाइप्स में जो डिवाइड किया था, एक हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग थे, एक इनडायरेक्टली एक्टिंग थे और एक मिक्स्ड एक्टिंग थे। और हमने डायरेक्टली एक्टिंग में बात कर ली थी कौन कौन से आएंगे, इनडायरेक्टली में कौन कौन से आएंगे और मिक्स्ड में कौन कौन से आएंगे। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग के साथ। डायरेक्टली एक्टिंग मैंने बोला था दो तरह के होते हैं, एक कैटेकोलामीन्स थे और एक नॉन कैटेकोलामीन्स थे, कैटेकोलामीन्स एंड नॉन कैटेकोलामीन्स। तो जो कैटेकोलामीन्स थे उनकी हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। कैटेकोलामीन्स मैंने आपको बताया था फर्दर दो तरह के थे, एक थे एंडोजीनस जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और एक सिंथेटिक जो हम बाहर से ड्रग्स की फॉर्म में ले सकते हैं। वैसे जो एंडोजीनस वाले हैं उनको भी बाहर से हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर से तो ले रहे हैं, ड्रग है तो बाहर से ले रहे हैं, लेकिन ये नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, इसलिए इसको बोला है एंडोजीनस। और जो सिंथेटिक वाले हैं वो अलग हैं। तो एंडोजीनस में हमारे पास टोटल आते हैं तीन, एपिनेफ्रिन नंबर वन पे लिखा हुआ है, नोरएपिनेफ्रिन नंबर टू, डोपामिन नंबर थ्री। एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में। सिंथेटिक में हमारे पास टोटल पाँच आते हैं, नंबर वन डोब्यूटामिन, नंबर टू आइसोप्रेनलिन, नंबर थ्री फिनोल्डपाम, नंबर फोर ड्रोक्सीडोपा एंड नंबर फाइव आइबोपामीन। तो ये पाँच लिखे हुए हैं सिंथेटिक के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं हम नोरएड्रेनालिन के साथ। सबसे पहला जो एंडोजीनस कैटेकोलामीन है वो हम बात करेंगे नोरएड्रेनालिन के साथ। नोरएड्रेनालिन की बात करें तो नोरएड्रेनालिन सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारे दिमाग में कि कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। एड्रिनर्जिक ड्रग है तो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, या अल्फा पे या बीटा पे या फिर दोनों पे। तो यही बात करते हैं कि किस किस पे ये एक्ट करता है। तो जो नोरएड्रेनालिन है हमारा वो अल्फा वन पे भी एक्ट करता है, अल्फा टू पे भी एक्ट करता है, बीटा वन पे भी एक्ट करता है और बीटा थ्री पे भी एक्ट करता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बीटा टू पे एक्ट नहीं करने वाला, मतलब बीटा टू जो रिसेप्टर है उस पे एक्ट नहीं करता नोरएड्रेनालिन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यही पॉइंट इसको एड्रेनालिन से डिफर करेगा। नोरएड्रेनालिन विल नॉट एक्ट ऑन बीटा टू रिसेप्टर, वेयर एज एड्रेनालिन विल एक्ट ऑन द बीटा टू रिसेप्टर। तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। नोरएड्रेनालिन अल्फा वन पे भी काम करेगा, अल्फा टू पे भी करेगा, बीटा वन पे भी करेगा और बीटा थ्री पे भी करेगा, लेकिन किस पे नहीं करेगा, बीटा टू पे नहीं करेगा। जबकि एड्रेनालिन बीटा टू पे भी करता है, बीटा वन पे भी करता है, बीटा थ्री पे भी, और अल्फा वन अल्फा टू दोनों पे एक्ट करेगा, उसके बाद में करेंगे। तो नोरएड्रेनालिन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बीटा टू रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करता। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखें तो ये इसका मेन एक्शन होता है CVS, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मतलब इसका मेन एक्शन हार्ट के ऊपर ही होता है बेसिकली। और नोरएड्रेनालिन को नोरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और इसके शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा NA। नोरएड्रेनालिन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं NA, ठीक है। तो नोरएड्रेनालिन को देते कैसे हैं, नोरएड्रेनालिन को ओरली नहीं देंगे क्योंकि कैटेकोलामीन्स को ओरली नहीं दे सकते। सेकेंड पॉइंट, इसको मेनली IV भी नहीं देते, सबक्यूटेनियस भी नहीं देते, IM भी नहीं देते क्योंकि ये नेक्रोसिस वगैरह कॉज कर सकता है। इसको हम देते हैं किससे, IV इन्फ्यूजन से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोरएड्रेनालिन को IV इन्फ्यूजन से देते हैं, मतलब उसको जैसे सेलाइन वगैरह इसके साथ उसको देंगे, एक साथ यूनि की वेन के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो IV नहीं देते, IV इन्फ्यूजन से देते हैं, ठीक है, इन्फ्यूजन सेट के साथ। तो नोरएड्रेनालिन के यूजेस की बात करते हैं, नोरएड्रेनालिन के बेसिकली दो यूज आएंगे, दो जगह नोरएड्रेनालिन ड्रग ऑफ चॉइस है। नंबर वन, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस इन कार्डियोजेनिक शोक विद हाइपोटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्डियोजेनिक शोक अगर किसी को है अलोंग विद हाइपोटेंशन, उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है नोरएड्रेनालिन। तो हाइपोटेंशन होना चाहिए साथ में, तब ड्रग ऑफ चॉइस नोरएड्रेनालिन होगा, ये बात याद रखना। अगर हाइपोटेंशन नहीं है तो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है डोब्यूटामीन, जिसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, कार्डियोजेनिक शोक विद हाइपोटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस नोरएड्रेनालिन। जैसे फॉर एग्जांपल, कार्डियोजेनिक शोक मतलब किसी को एक्यूट हार्ट फेलियर हो गया और साथ में उसका जब BP देखा गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो लेस देन 90 था, तो उसको हाइपोटेंशन भी है और उसको हार्ट फेलियर भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम नोरएड्रेनालिन देंगे। तो नंबर वन यूज़ हो गया ये। नंबर टू इसका यूज़ है वैसोडायलेटरी शोक में। किस में दे सकते हैं हम इसको, वैसोडायलेटरी शोक मतलब वेसल्स डायलेट कर गई जिसके कारण ब्लड प्रेशर इतना डाउन हो गया कि शोक में चला गया पेशेंट। पैथोलॉजी में आप पढ़ोगे शोक क्या होता है, उसके बाद भी करेंगे पैथोलॉजी में। तो वैसोडायलेटरी शोक में आप क्या देना पसंद करोगे, वैसोडायलेशन हो रखी है तो आपको वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करानी है, और क्योंकि नोरएड्रेनालिन अल्फा वन पे एक्ट करेगा, अल्फा वन का एक्शन क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराना, तो अल्फा वन के एक्शन के कारण नोरएड्रेनालिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, जिसके कारण उसको हम दे सकते हैं, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस है वो वैसोडायलेटरी शोक में। और वैसोडायलेटरी शोक में दो आते हैं, एक न्यूरोजेनिक शोक और एक सेप्टिक शोक।
तो न्यूरोजेनिक शॉक और सेप्टिक शॉक दोनों में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? नोरएड्रेनालिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है। और हमने इसको कार्डियोजेनिक शॉक में क्यों दिया था? क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर हो रखा था, तो हमें बीटा वन को स्टिमुलेट करना था, ठीक है। और दूसरी बात, बीपी कम हो रखा था, तो हमें अल्फा वन को भी स्टिमुलेट करना था। तो नोरएड्रेनालिन दोनों पे एक्ट कर रहा था, बीटा वन पे भी एक्ट कर रहा था, हर्ट को स्टिमुलेट करेगा, अल्फा वन पे भी एक्ट कर रहा था, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो हम उसको दे सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक विद हाइपोटेंशन में। और दूसरा उसका यूज़ पड़ा हमने वैसोडायलेटरी शॉक में। तो ये तो बात हो गई नोरएड्रेनालिन की। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नोरएड्रेनालिन को हम एनाफिलेक्टिक शॉक में क्यों नहीं दे सकते? देखो, अलग अलग टाइप के शॉक होते हैं, सेप्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, अलग अलग तरह के होते हैं, पढ़ेंगे बाद में। तो मेन बात यहाँ पे ये है कि एनाफिलेक्टिक शॉक में हम नोरएड्रेनालिन को क्यों नहीं दे सकते? भाई, नोरएड्रेनालिन तो हार्ट पे भी काम कर रहा था और वेसल्स पे भी काम कर रहा है, तो क्यों नहीं दे सकते? इसका रीज़न ये है कि जो एनाफिलेक्टिक शॉक होता है उसमें अस्थमा लाइक फीचर्स आते हैं। एनाफिलेक्टिक शॉक एक तरह से अस्थमा ही होता है, अस्थमा लाइक फीचर्स आएंगे उसमें। अस्थमा लाइक फीचर्स मतलब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है एनाफिलेक्टिक शॉक में, और क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है तो हमें क्या चाहिए? ऐसा ड्रग दो जो ब्रोंको डायलेशन भी कराए। नोरएड्रेनालिन अभी बताया था बीटा टू के ऊपर काम नहीं करता, नोरएड्रेनालिन बीटा टू पे काम नहीं करता, तो बीटा टू पे ही काम नहीं करता, और बीटा टू का ही काम था ब्रोंको डायलेशन कराना। अब बीटा टू पे नोरएड्रेनालिन काम ही नहीं करता, तो ब्रोंको डायलेशन कहाँ से होगी? इस वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक में हम नहीं दे सकते किसको? नोरएड्रेनालिन को, क्योंकि वो नॉट एक्ट ऑन बीटा टू, क्योंकि वो बीटा टू रिसेप्टर के ऊपर एक्ट नहीं करता, इस वजह से हम नहीं दे सकते। और बीटा टू रिसेप्टर के ऊपर एक्ट नहीं करेगा तो ब्रोंको डायलेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं एड्रिनलिन के ऊपर। तो पहला हमने पढ़े नोरएड्रेनालिन, अब चलते हैं एड्रिनलिन पे। एड्रिनलिन एक्ट करता है अल्फा वन पे भी, अल्फा टू पे भी, बीटा वन पे भी, बीटा टू पे भी, और बीटा थ्री, मतलब जितने भी एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स थे सब पे काम करता है हमारा एड्रिनलिन। उसके अलावा इसकी दो कंसंट्रेशन हम दे सकते हैं, एड्रिनलिन को दो कंसंट्रेशन में देते हैं। एक होती है 1 mg/mL 1:1000 में, और एक होती है 0.1 mg/mL 1:10,000 में। तो एक हो गई 1 mg/mL जिसको बोलते हैं 1:1000, और एक होती है 0.1 mg/mL, तो 0.1 आ गया तो 1:10,000 वहाँ पे हमने कर दिया इसको। तो अगर हम उसको 1:1000 में देते हैं तो कौन कौन से रूट से दे सकते हैं? तो 1:1000 या फिर 1 mg/mL एड्रिनलिन अगर किसी को देना है तो उसको हम देते हैं या तो IM रूट से, या सबक्यूटेनियस रूट से, या फिर एंडोट्रैकियली। ये तीन रूट से हम दे सकते हैं 1:1000 वाली को, IM, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड एंडोट्रैकियली। नेक्स्ट हम चलते हैं 0.1 mg/mL या फिर 1:10,000, ये हम देते हैं या तो IV रूट से या फिर इंट्राओशियस। इंट्राओशियस मतलब बोन के अंदर, कौन सी बोन में मेनली देते हैं? टीबिया के अंदर मेनली दी जाती है ये, ठीक है। तो IV या IO हम देंगे 1:10,000 वाले को, वाली कंसंट्रेशन को, और IM सबक्यूटेनियस या एंडोट्रैकियली हम देते हैं 1:1000 वाले कंसंट्रेशन को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि यूजेस क्या क्या हैं एड्रिनलिन के। तो एड्रिनलिन के यूजेस में हमें एक न्यूमोनिक याद रखना है, ABCDE, यही इसके यूजेज हैं। टोटल 5 यूज हैं एड्रिनलिन के, ABCDE। तो ए से क्या बना? नंबर वन, ए से हमारे पास बन गया एनाफिलेक्सिस। एनाफिलेक्सिस मतलब एनाफिलेक्टिक शॉक की बात चल रही है, और क्योंकि एनाफिलेक्टिक शॉक में मैंने अभी बताया था कि अस्थमा लाइक फीचर्स आते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और हम चाहते हैं ब्रोंको डायलेशन करवाना, तो हमें बीटा टू का एक्शन चाहिएगा। तो इस वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक में हम एड्रिनलिन देते हैं। और कैसे देते हैं, कौन सी कंसंट्रेशन देते हैं? 0.3 to 0.5 mL देंगे। कितना? 1:1000 वाली कंसंट्रेशन का। जो 1:1000 वाली जो हमारे पास शीशी थी उसका हम 0.3 to 0.5 mL देते हैं IM रूट से। मैंने बोला था 1:1000 हम IM दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, एंडोट्रैकियली। तो अभी 1:1000 दे रहे हैं एनाफिलेक्टिक शॉक में, तो कौन से रूट से देंगे? IM रूट से देते हैं, ठीक है, याद रखना, प्रेफर्ड रूट IM रूट। क्यों देते हैं एड्रिनलिन? ऐसा क्या करेगा? देखो, एड्रिनलिन बीटा वन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, अल्फा वन पे करेगा, बीटा टू पे करेगा, देखो बीटा थ्री पे भी करेगा, अल्फा टू पे भी करेगा, लेकिन उसका एक्शन अभी नहीं चाहिए हमको, तो उसकी बात नहीं की गई है यहाँ पे। तो बीटा वन पे एक्ट करके कार्डियक स्टिमुलेशन करेगा, कार्डियक मतलब हर्ट स्टिमुलेट, मतलब हर्ट रेट बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, शॉक के अंदर गया हुआ पेशेंट, तो ये सब चीज़ें नीडेड हैं। अल्फा वन की बात करें तो अल्फा वन
वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा के ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, और ब्लड प्रेशर हम बढ़ाना चाहते हैं इस केस में। और साथ ही साथ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण लैरिंजियल जो इडीमा हो जाता है एनाफिलेक्टिक शॉक में, वो भी कम कर देता है एड्रिनलिन। तो ये हो गया बीटा वन एक्शन और अल्फा वन एक्शन। उसके अलावा बीटा टू एक्शन के थ्रू एड्रिनलिन जो है वो ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस करेगा, और ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस करने के अलावा वो मास सेल से जो मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे, मास सेल से कुछ मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जैसे हिस्टामिन वगैरह, जिसके कारण ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो कैसे ब्रोंकोडायलेशन करवाता है एड्रिनलिन? मास सेल से जो मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे हिस्टामिन वगैरह, उनको बंद करवा देता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एनाफिलेक्टिक शॉक में हमें तीन एक्शन मिलते हैं एड्रिनलिन के, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ब्रोंकस को डायलेट करता है। इस वजह से एड्रिनलिन देते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक में। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ एड्रिनलिन, वो आता है बी। बी से बन गया ब्रोंकियल अस्थमा, और ब्रोंकियल अस्थमा अभी मैंने बता दिया आपको। ब्रोंकियल अस्थमा में क्यों देते हैं? क्योंकि ब्रोंकोडायलेशन करवाता है एड्रिनलिन। कौन सी कंसेंट्रेशन देते हैं? 1:1000 वाली कंसेंट्रेशन देते हैं। कौन से रूट से देंगे? सबक्यूटेनियस। तो 1:1000 हम कैसे कैसे दे सकते थे? 1:1000 वाली हमने अभी IM दी थी, IM दे सकते हैं 1:1000, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं और एंडोट्रैकियली। तो यहाँ पे हमने उसको सबक्यूटेनियस प्रेफर किया है। लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा में आजकल एड्रिनलिन को यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि उसका कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, और ब्रोंकियल अस्थमा में हम नहीं चाहते कि हार्ट की कोई भी बीमारी हो जाए, अरिथमिया वगैरह नहीं चाहते हम। तो इस वजह से हम नहीं देते ब्रोंकियल अस्थमा में एड्रिनलिन। और भी बहुत दवाइयाँ हैं ब्रोंकियल अस्थमा के लिए जो हम दे सकते हैं। सी से हमारे पास बन गया कार्डियक अरेस्ट। तो सी से बन गया कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब कि हार्ट काम नहीं कर रहा उसका। तो इसमें हम दे सकते हैं 1:10,000 वाली कंसेंट्रेशन, और 1:10,000 दो तरह से दे सकते थे, आईवी एंड इंट्राओशियस। तो यहाँ पे हम देते हैं आईवी रूट से। कितना देते हैं? 1 ml देते हैं उसका। ठीक है, डी से हमारे पास बन गया ड्यूरिंग और अलोंग विद लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक का एग्जाम्पल है लिग्नोकिन। तो इसको हम लोकल एनेस्थेटिक के साथ दे सकते हैं, या फिर लोकल एनेस्थेटिक देने के बाद भी हम इसको दे सकते हैं। क्यों देते हैं? सबसे पहले बात, कौन सी कंसेंट्रेशन देते हैं? तो ना तो 1:1000 देते हैं, ना 1:10,000, और भी ज़्यादा इसको कंसेंट्रेट करके 1:10,000 इसकी कंसेंट्रेशन हम देते हैं। किसके साथ देते हैं? लिग्नोकेन के साथ। लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है। क्यों देते हैं? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एड्रिनलिन अल्फा वन पे एक्ट करके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण क्या होगा? जो हम लिग्नोकेन दे रहे हैं, जहां हम मान लो लिग्नोकेन का इफेक्ट हम यहां इस एरिया में चाहते हैं, ठीक है, तो हमने यहां पे लिग्नोकेन दे दिया, साथ में एड्रिनलिन दे दिया। एड्रिनलिन यहां की ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, और ब्लड वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो उसके कारण जो लिग्नोकेन दिया है वो पूरे ब्लड में नहीं फैलेगा, वो यहीं पर सीमित रहेगा इस एरिया में, जहाँ पर हम उसका लोकल इफेक्ट चाहते हैं वो वहीं रहेगा और वहीं एक्ट करेगा। तो लोकल इफेक्ट को बढ़ाने के लिए लिग्नोकेन के हम साथ में देते हैं एड्रिनलिन, क्योंकि एड्रिनलिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा के क्या कराएगा? डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एंड प्रोलोंग्स द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया के ड्यूरेशन को भी बढ़ाएगा और एब्जॉर्प्शन को डिले कर देगा, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा लिग्नोकेन को, और उसका लोकल इफेक्ट बनाए रखेगा। तो ये हो गया हमारे पास डी से। तो डी से हमारे पास ये वाला था। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई एड्रिनलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द सर्जरी ऑफ एंड आर्टरी। किसी की एंड आर्टरी की सर्जरी होने वाली है, तो उस कंडीशन में हम लिग्नोकेन के साथ एड्रिनलिन नहीं देते। तो ये पूछा है कि क्यों नहीं देते। या फिर टिप ऑफ द ऑर्गन सर्जरी है, किसी ऐसे ऑर्गन की सर्जरी है जिसकी टिप की सर्जरी है बिल्कुल एंड की, तो उस कंडीशन में हम लिग्नोकेन के साथ एड्रिनलिन क्यों नहीं देते? क्योंकि उस कंडीशन में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या करा देगा? गैंग्रीन करवा देगा। मान लो मेरी फिंगर इधर की सर्जरी है फिंगर की टिप की, तो उस कंडीशन में हम एड्रिनलिन नहीं देंगे लिग्नोकेन के साथ, क्योंकि एड्रिनलिन देंगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, और यहाँ पे कोई एनेस्टेमोसिस भी नहीं है जिसके कारण जो मतलब और कहीं से भी कोई ब्लड सप्लाई नहीं आ रही जिसके कारण गैंग्रीन नहीं होगा, तो यहाँ पे इस्कीमिया प्रोड्यूस हो जाएगा। मान लो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बहुत प्रोलोंग्ड रहा यहाँ पे टिप पे, तो उसके कारण क्या होगा? इस्कीमिया प्रोड्यूस हो जाएगा और उसके कारण गैंग्रीन फॉर्म हो सकता है, ठीक है, नेक्रोसिस होके। तो जैसे टिप ऑफ द ऑर्गन सर्जरी में मैंने लिखा हुआ है नोज़ की टिप की सर्जरी, पिन्ना की सर्जरी, फिंगर की सर्जरी, पिनाइल सर्जरी, इन कंडीशंस में एड्रिनलिन नहीं दिया जाता लिग्नोकेन के साथ। नंबर 5 जो यूज़ है एड्रिनलिन का, वो है ई से एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस आप सबको पता है, नोज़ से जो ब्लीडिंग होती है उसे एपिस्टेक्सिस बोलते हैं।
तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एड्रिनलिन के अंदर कॉटन को डुबाया और नाक के अंदर डाल दिया। कॉटन सोक्ड एड्रिनलिन प्लेस्ड इन द नोज। क्या करेगा एड्रिनलिन, हम सबको पता है एड्रिनलिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज कर देगा जिसके कारण ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। इसी वजह से कोई भी डोज हम दे सकते हैं इस कंडीशन में। एपिस्टैक्सिस को रोकने के लिए भी एड्रिनलिन दिया जाता है। कॉटन के अंदर एड्रिनलिन के अंदर कॉटन को सोक करके नाक के अंदर डाल देते हैं और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये हमने बात कर ली हमारे एड्रिनलिन के 5 यूजेस के बारे में। ए से हमारे पास था एनाफिलैक्सिस, बी से हमारे पास ब्रोंकियल अस्थमा, सी से हमारे पास कार्डियक अरेस्ट, डी से ड्यूरिंग और अलोंग विद लोकल एनेस्थेटिक्स, एंड ई से हमारे पास था एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट हमारा जो कैटेकोलामीन है वो है डोपामीन, और डोपामीन की बात करेंगे। सबसे पहले डोपामीन मिक्स्ड एक्टिंग होता है क्योंकि वो रिसेप्टर पे एक्ट करने के से, देखो एक तो वो D1 पे, α1 पे, α2 पे और β1 पे, इन 4 रिसेप्टर पे एक्ट करता है। दूसरा वो नोरएपिनेफ्रिन के रिलीज को भी या फिर नोरएड्रेनालिन के रिलीज को भी प्रोमोट करता है। तो वो दोनों काम कर रहा है, डायरेक्ट भी एक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली भी एक्ट कर रहा है, इसलिए ये मिक्स्ड एक्टिंग के अंदर आता है। और इसको भी हम IV इन्फ्यूजन के साथ देते हैं, IV इन्फ्यूजन से देते हैं। तो D1 से एक्ट करता है, D1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, डोपामीन का रिसेप्टर है, α1 पे करेगा, α2 पे करेगा और β1 पे करेगा, β2 पे नहीं करेगा। β2 पे नहीं कर रहा तो इसको एनाफिलेक्टिक शॉक में नहीं देंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डोपामीन को क्यों नहीं देते, जैसे नोरएड्रेनालिन का हमने पढ़ा था। तो अब चलते हैं डोपामीन के यूजेस क्या क्या हैं। तो डोपामीन किस रिसेप्टर पे काम करेगा, हमने 4 रिसेप्टर पढ़े, D1, α1, α2, β1, इनमें से किस रिसेप्टर के ऊपर वो काम करेगा ये डिपेंड करता है उसकी डोज पे। तो हम डोज वाइज देखेंगे कि इतनी डोज देंगे तो किस रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और क्या एक्शन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डोज, यहाँ पे रिसेप्टर, यहाँ पे यूज और यहाँ पे उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। तो नंबर 1 हमारे पास आता है 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। अगर हमने डोज दी 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट तो वो एक्ट करता है सिर्फ D1 रिसेप्टर पे, मतलब सिर्फ डोपामीन का D1 रिसेप्टर पे ही एक्ट करेगा, ना अल्फा पे करेगा ना बीटा पे, सिर्फ D1 पे। और D1 पे एक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस करेगा किडनी पे। देखो डोपामीन मेनली 3 जगह होता है, किडनी, CNS और तीसरा मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में, किडनी था, CNS था और एक और, एक सेकेंड मैं बता ही देता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो किडनी था, CNS था और GIT था, 3 जगह पे डोपामीन हमारा काम कर रहा था, ठीक है। तो वैसोडाइलेशन करा देगा किडनी के अंदर D1 रिसेप्टर पे एक्ट करके। अगर 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट वाली डोज दी है तो हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, किडनी में वैसोडाइलेशन करवा रहा है तो कहाँ यूज़ करेंगे इसको हम, ये ड्रग ऑफ चॉइस है एक्यूट रीनल फेलियर में। एक्यूट रीनल फेलियर में ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। और अगर ये वैसोडाइलेशन करा रहा है तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, वैसोडाइलेशन से क्या होता है, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगा, तो इसका साइड इफेक्ट होता है हाइपोटेंशन। और इस वजह से ये शॉक के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, मतलब 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट वाली डोज शॉक के पेशेंट में कभी नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो फर्दर और ज़्यादा हाइपोटेंशन प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। अब हमने डोज थोड़ी बढ़ा दी है, 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट कर दिया, तो अब वो एक्ट करेगा β1 रिसेप्टर पे। तो इस वाली डोज में वो सिर्फ β1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और β1 प्रेजेंट होता है हर्ट पे, तो वो स्टिमुलेट कर देगा हमारे हर्ट को। अब हर्ट को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत कहाँ होगी, कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इसको, एक्यूट हर्ट फेलियर में। तो हम जो ये सेकंड डोज थी 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एक्यूट हर्ट फेलियर के कंडीशन में। और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, अरिदमिया। तो साइड इफेक्ट क्या होगा, हर्ट को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, अरिदमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाली डोज। अब हमारे पास थर्ड डोज है इसकी, वो है मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, मतलब 10 से भी ज़्यादा माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट आप दे रहे हो तो वो स्टिमुलेट करता है α1 को। अब किसको स्टिमुलेट करेगा, सिर्फ α1 को। और α1 का क्या एक्शन था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कराना, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा के क्या कराएगा, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, शॉक के पेशेंट में। शॉक की कंडीशन में कौन सी डोज नहीं देनी थी, मतलब 1 to 2 माइक्रोग्राम वाली, 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट वाली डोज हमें शॉक के पेशेंट में नहीं देनी थी, जबकि मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट वाली जो डोज है वो हम शॉक के पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। और साइड इफेक्ट होता है इसका हाइपरटेंशन, क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, ज़्यादा अगर बीपी बढ़ गया तो हाइपरटेंशन होने का डर रहता है, तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है हाइपरटेंशन।
तो ये हमने इसके तीन डोजेज पढ़ी हैं, तीनों के यूजेस मैंने आपको बता दिए, तीनों के साइड इफेक्ट बता दिए, हमने डोपामिन की बात की, हमने नोर एड्रीनलिन की बात की और हमने एड्रीनलिन की बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।